नीचे बिग बॉस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टॉपिक हैं, जैसे कि इन्होंने इतना अच्छा टॉपिक बोला, बट बिग बॉस में अच्छा चल रहा है अभी तो, मुझे ऐसा लगता है फाइनल में तीन लोगों को तो मेरा सपोर्ट है, जिस तरीके से अंकिता है, मुनावर है और अभिषेक है, इन तीन लोगों को तो जाना चाहिए आगे। लेकिन आप डे वन से मुनावर को सपोर्ट कर रहे थे, कल आयशा ने उनका चिट्ठा खोल दिया कि देखो मैं लड़की लोग के साथ डेट कर रहे थे। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकते, वो डेट कर रहा था, ठीक है, हर कोई होता है जब उसको पार्टनर नहीं मिला होता है, जिस तरीके से उनका ब्रेकअप सीन चल रहा था, तो शायद उन्होंने किसी से बातचीत की होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेट कर रहा था। डेट अलग होता है और किसी से मिलना और बात करना एक अलग होता है। लेकिन आयशा ने कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया था कि बिग बॉस उसको, इसीलिए मैंने बोला ना कि उसको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, ऐसे चुप रहने का कोई मतलब नहीं होता। जब आपने गलती नहीं की है तो आप बोलो, जिस तरीके से उन्होंने इतने आरोप लगाती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर को कहीं ना कहीं शांत नहीं रहना चाहिए। देखो क्या होता है, समटाइम जब ब्रेकअप का जब सीन चल रहा होता है तो समटाइम लोग मिलते हैं अपना दिमाग ठीक करने के लिए, चाहे कोई भी रीज़न ले लो, ठीक है, उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, शायद ऐसे मिला होगा वो लड़का, बट मैं ये नहीं बोल सकती वो गलत है। इवन नाजिला पे इस वक्त क्या दिखती होगी आपके हिसाब से? नाजिला पे कहीं वो बंदी जो है बाहर रह के भी सभी चीज़ें फेस कर रही है। हाँ, तो फेस कर रही हूँ, इनफैक्ट प्रॉब्लम तो होता ही है ना, हर इंसान को प्रॉब्लम होता है। अभिषेक के बारे में क्या कहना? अभिषेक के बारे में मुझे ऐसा लगता है उसने उस शो में बहुत इनपुट डाला, चाहे कि वो कैसे भी, चाहे वो झगड़ा करके हो, चाहे कैसे भी हो, बट उसने शो में काफ़ी इनपुट डाला है, वो शो के बारे में काफ़ी सोचता था। फैमिलीज़ की बात करें तो अरुण की वाइफ भी गई। ओह, मुझे बच्ची बहुत क्यूट लगी थी, मैंने वो एपिसोड देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि टॉप फाइव में उनको भी जाना चाहिए, हैदराबाद का कुछ तो करना चाहिए। बट उनका गेम देखो क्या होता है, समटाइम किसी की पर्सनैलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान झगड़ेलू हो, अभिषेक नहीं बन सकता हर इंसान, अंकिता नहीं बन सकता, मुनावर जैसे भी है, मुनावर भी अपने आप में अपना इनपुट डालता है, बट ये नहीं है कि हाँ वो झगड़े से निकाले। बट मुझे ऐसा लगता है आयशा ने कहीं ना कहीं उन पर जितने भी आरोप लगाए हैं उनको डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो भी उनकी जनता है, जो भी उनको इतना प्यार करती है, वो उनको ऐसा सोचेगी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा रहेगा कि ये बंदा गलत होगा, तो मुझे ऐसा लगता है उसको अपने आप में डिफाइन करना चाहिए। मनारा की बात करें तो मनारा को भी टारगेट किया गया इसमें नॉमिनेशन में, तो इस पर क्या टेक है आपका? कहीं ना कहीं जिसके साथ में अच्छे रिलेशन थे उन्होंने भी धोखा दिया। देखो मनारा भी अच्छा ही खेल रही है, काफ़ी उसने इम्प्रूव लेके आई है, चाहे वो मुनावर से झगड़ा करने वाला हो, चाहे अंकिता से झगड़ा करने वाला हो, काफ़ी इनपुट डाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो निकल उनके रिलेशन पे कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे सवाल उठा रही थी, इस पर क्या टेक है आपका? कोई टेक नहीं है, मतलब देखो उन दोनों में जब क्या होता है, दो लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं सोचने का कि उन लोगों में झगड़े नहीं होंगे, नॉर्मल बात है, आपके घर में चार लोग हैं तो झगड़े होते हैं, मैं दो लोग रहते हैं हम दोनों में नहीं बन पाते, बहनें तो पति पत्नी में तो नॉर्मल बात है कि झगड़े होते ही हैं, तो इतना दिमाग पे नहीं लेने का पति पत्नी के झगड़े पर। इवन कल के एपिसोड में जो चीज़ें अंकिता की सास ने उन्हें बताया कि आपके मॉम को फोन करके डैड ने, हाँ वो थोड़ा गलत था, हाँ वो थोड़ा गलत था, क्योंकि उनकी माँ को फ़ोन नहीं करना चाहिए, वो देखो क्या होता है हर जगह का भी इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि वो बोल रही थी हमारे उधर की साइड ऐसे सब चीज़ें देखना टीवी पे है, तो उनको अच्छा नहीं लगा, बट यहाँ पे देखे तो एक शो है और शो में एक पति पत्नी है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिखाया जा रहा है, क्या होता है कि कभी कभी हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट बिग बॉस में कहाँ नज़रअंदाज कर सकते हो, तो वही बात है और कुछ भी नहीं है, जितना लोग सोचते हैं अंकिता और विक्की जैन का डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बहुत समझदार हैं। अनुराग बोल रहा है कि ये शो का उसके साथ ना इंसाफ हुआ है, ना इंसाफ है। अनुराग के देखो अनुराग के साथ में गलत हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा था अनफेयर था, मानती हूँ, बट उस शो में इनपुट नहीं डालते थे वो, ठीक है, इनपुट उनको डालना चाहिए था, क्योंकि मैं उस शो में नहीं हूँ और मैं भी ऐसे बोलूं कि नहीं अनफेयर था, मैं बहुत कैपेबिलिटी में लड़की हूँ, बट तब भी मैं निकल आई, तो तब भी मैं नहीं ये बोल रही हूँ अनफेयर, ठीक है यार जो हुआ वो ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है, तो मेरा ऐसा सोचना रहता है, एक वही शो नहीं है, आगे चल के बहुत काम करना है,
और अनुराग कुछ करता नहीं था उस शो में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उस शो में बहुत इनपुट डालने की ज़रूरत है, जिस तरीके से लोग हम लोग बोर हो जाते हैं, अभी हम बाहर आके हम बोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अंदर वाले इनपुट नहीं डाल रहे हैं। तो जब अंदर गए हैं 17 लोग, तो 17 लोगों को अपना इनपुट डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अनुराग डालता नहीं था इनपुट। हाँ, इवेक्शन थोड़ा अनफेयर था। अनुराग का भी गाना आ रहा है, अगर आपको मौका मिले गाना बनाने का तो किसके सॉन्ग करना चाहेंगे आप? बिग बॉस कंटेस्टेंट की बात करें, आई डोंट नो एक्चुअली, अभी तो कोई डिसाइडेड नहीं किया, क्योंकि मेरा ऐसा कोई गाना करूँगी तो डेफिनेटली वो अलग लेवल होगा। और दूसरा बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो कौन होगा जो इसके साथ ऑपोजिट में आप काम करना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं उस अकॉर्डिंग देखती हूँ कि मैं बिग बॉस से हट के भी कुछ अलग करूँ, तो अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं बिग बॉस के। डेफिनेटली जैसे कि अभी अभिषेक है, ठीक है, तो लगा तो कभी ऑफर आया अभिषेक के साथ तो डेफिनेटली आई विल डू इट, बट वैसे नहीं। थैंक यू। दुनिया जी सुना जी एक बार एक ठीक है भाई, सब लोग लिए हैं लेकिन तेरे वजह से रुका जा रहा था उसको।